अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा कासिम और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निहारी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। ये मैंने बछिए का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, तकरीबन 3 पाव। एक छोटे साइज की प्याज कट कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून योगर्ट के दही और 1/2 kg का निहारी मसाले का पैकेट ले लिया है। 1/2 कप आटा ले लिया है। अब हम इसे बनाने की तरकीब आपको बताएंगे। अब हमने एक पैन में ऑयल शामिल कर दिया है और हम इसमें अपनी कटिंग की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। तकरीबन प्याज ब्राउन करने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे हमें। प्याज में कलर आना शुरू हो गया, ये देखिएगा, सुनहरा होना शुरू हो रही है प्याज। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि लहसुन अदरक में भी थोड़ा सा कलर आ जाए। टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक के इसमें शामिल कर दिए। इसे थोड़ा सा चलाएंगे, लहसुन अदरक भी लाइट ब्राउन हो जाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है लहसुन अदरक की। दो मिनट जो है हमने प्याज में लहसुन अदरक शामिल करके भूना है। अभी देखिए कलर इसका ब्राउन हो चुका है लाइट सा। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे ताकि गोश्त को भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। आँच थोड़ी सी हल्की कर देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो जो है नीचे से चिपके ना ऐसे। देखिए कलर चेंज हो गया है गोश्त का, गोल्डन कलर हो गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया गोश्त का। थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करेंगे। देखें हमारी गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम जो है मसाला शामिल कर देंगे। आप कोई सा भी निहारी मसाला ले सकते हैं, 1/2 kg तकरीबन। और अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च अगर थोड़ा सा आपको कम लगे तो इसमें नमक मिर्च और शामिल कर सकते हैं। दो मिनट ये मसाले को हम पकाएंगे गोश्त के साथ। ये देखिए मसाला भून चुका है। मैंने 2 मिनट तक मसाले को ऑयल में भूना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे कि हमारा नमक कम ना हो जाए ना। 1/2 टीस्पून मैंने तकरीबन नमक शामिल किया। बाकी जो है आप जब शोरबा करेंगे तो तब टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिएगा। अब जो है हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है।
दही जो है फेंट ली है और अब इसे शामिल कर देंगे दही को। ठीक है, अब फिर से हम अपना मसाला हांडी भूनेंगे। दो मिनट और मसाले को भून के फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और इसको ढककर एक उबाला आने के बाद आँच हल्की कर देंगे और फिर ये हल्की आँच में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक पकेगी। जब अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें आटा शामिल करेंगे। अब जो है हमने इसमें ये 2 मिनट तक हमने इसको भून लिया, अब हम इसमें पानी शामिल करने वाले हैं। जी जनाब, अब हम इसमें पानी शामिल करने लगे हैं। पानी ये जो मैंने हैं 4 गिलास पानी के ले लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी निहारी पकेगी, ऊप पकेगी तो ये पानी जो है खुद ब खुद जो है कम हो जाएगा। देखिए कलर आ चुका है ऊपर ही, इतना अच्छा शानदार सा कलर आ चुका है अभी से। अभी इसको हम एक उबाला आने देंगे, जब हमारा उबाला आ जाएगा तो फिर हम आँच हल्की कर देंगे। अभी हमारी आँच दरमियानी ही है, जब बॉयल आ जाएगा फिर हम आँच हल्की करके इसको ढक कर रख देंगे। ये देखिएगा बॉयल आ चुका है, अब हम इसे ढक देंगे और आँच इसकी धीमी कर देंगे। हल्की आँच पर ही हमने इसे गलाना है गोश्त को। जब तक गोश्त नहीं गल जाता तब तक आँच हल्की रहेगी, तकरीबन 2 घंटे तो ये लगातार पकेगा। अच्छा जी, जब तक ये हमारा गोश्त गलता है हम आपको बता दें कि जो आटा हमने लिया था 1/2 कप उसे हम पहले तवे पे भून लेंगे। भूनने से जो है आटे की हवा ख़त्म हो जाती है। इसको तवे पे हम लाइट हल्का सा भून लेंगे, 3-4 मिनट के लिए भूनना है बस। आटा हमारा भून चुका है, ये देखिए हल्का सा लाइट सा इसका कलर चेंज हो गया है और आटे की खुशबू आना भी शुरू हो गई है। बस हमने इतना ही भूनना है। अभी हमने इसे निहारी में शामिल नहीं करना जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। अब हम आपसे 2 घंटे बाद आपके पास 2 घंटे बाद आते हैं निहारी, जब तक गोश्त गल जाएगा। ठीक है, 2 घंटे हमारे यहाँ गुजर चुके हैं। अब ये देखिएगा हमारी निहारी कैसी दिख रही है। पानी हाफ रह गया इसमें, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। एक बोटी हम ज़रा चेक कर लेंगे तोड़ के। ये देखिएगा गोश्त हमारा जो है तकरीबन लगभग गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो आटा है हम उसमें पानी मिक्स करेंगे, हल करेंगे आटे को और फिर अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे पानी, 1 कप पानी हल कर लेंगे। आटा इसमें हम ऐड कर देंगे पानी में हल करके। आटा हमने इसमें ऐड कर दिया है जी। अब जब तक आटा इसमें पक रहा है अब हम एक प्याज को ब्राउन कर लेंगे। छोटी सी प्याज ली है मैंने, बिल्कुल छोटी सी, इसको बिल्कुल फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे थोड़े से तेल में। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन करके, जो है इसे हमने इसमें ही निहारी में शामिल कर देना।
प्याज को ब्राउन कर लेंगे। हमारी ब्राउन हो चुकी है तकरीबन, अब हमने इसको निहारी में शामिल कर देना। जी अब हमने प्याज को निहारी में शामिल कर देना। आटा और प्याज शामिल करने के बाद आटा जो है हल करके, जो हमने आटा डाला है उसके बाद हमने एक छोटी सी प्याज ब्राउन करके डाल दी है। उसे शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे आप 15 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद निहारी हमारी रेडी है। 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है, पक के तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारी निहारी रेडी हो गई है, अब इसे गार्निश कर लेंगे। गार्निश के लिए चीज़ें मैंने कटिंग कर ली हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू और अदरक। अब इसमें हम थोड़ी सी अदरक शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें एंड हरा धनिया। ये हमारी फाइनल लुक है निहारी की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज लग रही है निहारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।